हेलो बच्चा पार्टी, इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने देखा था एग्जांपल नंबर 8.4। आज के लेक्चर में हम देखने वाले एग्जांपल नंबर 8.5, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एकदम इजी है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द प्लैनेट मार्स हैज़ टू मून, फोबोस एंड डीमोस, मतलब कि जो मार्स है उसको दो सैटेलाइट है। पहला क्वेश्चन है कि फोबोस एज अ पीरियड 7 आवर 39 मिनट्स, यानी कि जो हमारा फोबोस था उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 7 आवर्स एंड 39 मिनट, जिसको हमने ऑलरेडी सेकंड में कन्वर्ट करके रखा है। आवर को सेकंड में करना है तो मल्टीप्लाई विथ 3600 एंड मिनट को कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई विथ 6। काफ़ी ईजी है, जो हमने ऑलरेडी करके रखा है। नेक्स्ट बात करें तो हमें कहा गया है कि एन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ 9.4 × 10³ किलोमीटर, यानी कि रेडियस दी गई है 9.4 × 10³ किलोमीटर। किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 9.4 × 10³ और 10³ और ऐड हो गया, आंसर आया 10⁶ मीटर। और हमें इसका फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स, उसका मास फाइंड आउट करना है। और साथ ही साथ हमें सेकंड क्वेश्चन भी दिया गया है कि एज्यूम दैट अर्थ एंड मार्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन विद द मार्टेन ऑर्बिट बींग्स 1.52 टाइम द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब कि मार्स की जो रेडियस है वो 1.52 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है। और हमें कैलकुलेट करना है कि वॉट इज द लेंथ ऑफ द मार्टियन ईयर इन डे, यानी कि जिस तरह से हमें पता है कि भाई हमारे जो अर्थ ईयर है वो है 365.25 डे, तो उसी तरह से मार्स को पूरा सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि दूसरे एग्जांपल में हमें ढूंढना है टाइम पीरियड ऑफ मार्स। ठीक है, चलिए तो भाई हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले नोट कर लेना चाहिए कि हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दी गई थी। तो हमें टाइम पीरियड दिया गया है, रेडियस दिया गया है और मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नोट कर लिया जाए कि ये क्या है भाई, सैटेलाइट है। सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में अराउंडिंग टू प्लैनेट मूव होता है। ठीक है, तो जब वो सर्कुलर मोशंस करता है तो उसके ऊपर दो फोर्स अप्लाई होते हैं। पहला होता है ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों सेम हुए तो ही कोई भी ऑब्जेक्ट वहां पे टिक सकता है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा हुआ तो उसे अट्रैक्ट कर लेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हुआ तो वो दूर चला जाएगा, राइट। तो पहली कंडीशन होती है कि ऑलवेज अवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² / r इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला है g(m)/r². चलिए भाई mm को कट कर दिया, rr को भी कट कर दिया। साथ ही साथ हमें पता होता है कि जब कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन करता है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2πr/T। ठीक है ना, मान लो कि ये पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो उसका डिस्टेंस कितना कवर होता है, 2πr, पेरिफेरी जितना, और डिवाइड बाय टी, यानी कि यहाँ से यहाँ आने का टाइम होता है कैपिटल टी, यानी टाइम पीरियड जितना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v = 2πr/T, तो v² = क्या लिख सकते हैं, 4π² r² / t² = g(m)/r, राइट। चलिए भाई हम टी स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, gm नीचे, ये r ऊपर, तो हम लिख सकते हैं कि t² = 4π² / gm/r³। और ये जो फॉर्मूला है ये भाई आपको कुछ याद दिलाता है भाई, यस, ये है केपलर्स थर्ड लॉ, t² = r³। और कभी कभी इसे केपलर कांस्टेंट के भी कहा जाता है भाई। ठीक है, एंट्रेंस पे थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ी ट्रिक हम करते जाएंगे। चलिए आगे चलते, हमें फाइंड क्या करना था, मास, तो मास को सब्जेक्ट बना लेते हैं,
तो एम इज इक्वल टू हो गया 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाय जी इंटू टी स्क्वायर। चलिए 4 पाई की वैल्यू है 3.14, उसका स्क्वायर कर दीजिए। आर आर की वैल्यू है 9.4 इंटू 10^6 डिवाइड बाय, सॉरी उसका क्यूब है, डिवाइड बाय जी, जी की वैल्यू हमें आती है 6.67 इंटू 10^-11 और टाइम पीरियड हमें दिया गया था 27540 उसका स्क्वायर। चले भाई फटाफट से निकालिए कैलकुलेटर और इसे कैलकुलेट कर दीजिए, हो जाए तो बता दीजिएगा। ओके, और इसका आंसर आता है 6.48 इंटू 10^23 किलोग्राम। तो ये आया मास ऑफ द मार्च और जिसका आंसर है 6.48 इंटू 10^23। चले भाई अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो हमें उसमें ढूंढना है टाइम पीरियड ऑफ मार्स, हमें रेडियस का रिलेशन दिया है और बेसिकली हम फिर से ये कैपलर्स थर्ड लॉ यहाँ पे यूज कर लेंगे। और कैपलर्स थर्ड लॉ कहता था टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट। तो चलिए भाई हम क्या करते हैं, टी एम स्क्वेयर अपॉन टी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ना, आर एम क्यूब डिवाइड बाय आर ई क्यूब, जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट कांस्टेंट कट जाएगा ना, इसलिए हम नहीं लेते। तो इसको और अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। सपोज मैं इसको लिखता हूँ टी एम अपॉन टी ई होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम अपॉन आर ई होल क्यूब। तो हम लिख सकते हैं कि टी एम अपॉन टी ई इज इक्वल टू आर एम अपॉन आर ई पावर 3/2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। टी को जाने देते ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा टी एम इज इक्वल टू टी ई आर एम, आर एम क्या था भाई, 1.52 RE डिवाइड बाय आर ई पावर आएगा 3/2, RE RE कैंसल, तो टी ई इंटू 1.52 का पावर 3/2। चलिए भाई फटाफट कर दीजिए 1.52 की पावर 3/2। अब देखो ये कैसे करना है, सबसे पहले आपको 1.52 का रूट निकाल लेना है, क्योंकि हम रूट निकालते तो हम लिखते हैं पावर 1/2, और रूट निकालने के बाद हमें उसका क्यूब कर देना है। तो चलिए भाई हम वैल्यूज रख देते हैं, सबसे पहले रखते हैं वैल्यू टी ई टाइम पीरियड ऑफ अर्थ जो कितना है भाई 365.25। चलिए भाई आपने निकाल लिया 1.52 की पावर 3/2, यस गुड जॉब, आंसर आता है 1.873 अप्रोक्स, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और यस आपका आंसर आएगा अप्रोक्स 684 डे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो अर्थ है उसमें 1 ईयर होता है 365.25 डे पे, तो मार्च पे 1 ईयर होता है 684 डे पे। काफी अच्छा था, काफी इजी क्वेश्चंस था, बस आपको बस एक फंडा याद रखना है, उस पर से आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो और वहां से कैलकुलेशंस काफी इजी हो जाएगी। तो थैंक यू गाइज, इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8.6। थैंक यू।